शैलेश जी खंडेलवाल, आप तो रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, नमस्कार प्रधानमंत्री। नमस्कार प्रधानमंत्री जी को मेरा हृदय से प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल है, रायपुर से मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मेरी जन औषधि की यात्रा 2017 में एक पेपर एड से और आपकी स्पीच से चालू हुई। मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि जेनरिक मेडिसिन का काम किया जाए। स्थानीय विधायक महोदय ने और मेरे मित्रों ने सहयोग किया और एक जन औषधि केंद्र मेरे परिसर में खोला गया। आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान मुझे 1.5 साल बहुत दिक्कतें हुई। डॉक्टर भी मैं, लिखने वाला भी मैं, मेडिसिन देने वाला भी मैं। लोगों को लगा कि जो दवाइयां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एनीमिया की दवाइयां दूसरे क्षेत्र में 10 से 12 हजार की मिलती है, वो यहां पे 80 से 20% कम हो जाती है, 90% कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं? हमने उन्हें समझाना चालू किया और लगातार आप 7 मार्च को 4 बार मेरे केंद्र में जब भाषण देते रहे, तो उस आपदा या विपदा मेरे लिए कह सकते हैं, मैं निकल आया और लोग जन औषधि की तरफ आकर्षित हुए। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरे पास जब आया, जब मेरे क्षेत्र मुस्लिम बहुल एरिया है, कुछ बहनें मेरे पास आई मुस्लिम बहन की, उन्होंने कहा जो मोदी जी के स्टोर में, मोदी जी के दुकान में जो सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड है वो 1 रुपए में मिलता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? ये दूरस्थ अंचल से महिलाएं आती हैं, वहां तक पहुंच जाए। हम कभी आने में हिचकते भी हैं आपके स्टोर में। तब हमारे ये मन में आया, उन महिलाओं ने कहा कि हम भागीदारी करेंगे। तभी हमारे दिल में एक बात की कल्पना हुई, क्यों ना हम इनको सुधा दीदी बोले। हमने महिलाओं को प्रेरित किया कि हमसे रजिस्टर्ड करें और अब सुधा दीदी बन जाए। 100 घर 1 घंटा काम। मैं आपको बताते हुए फख्र और खुशी महसूस करता हूं कि आज 100 सुविधा दीदी हमारे अंडर काम कर रही हैं, सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड को घर घर ले जा रही हैं। एड ऑन प्रक्रिया हुई कि उन्होंने, जब हमने 100 घर की उनको लिस्टिंग दी कि उसमें भरे कि कोई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं है, तो वो ड्रग डिलीवरी एजेंट के रूप में भी सेवा और आपके रोजगार के कॉन्सेप्ट को करने लगी। अंत में एक बात शेयर करूंगा, आज मैं बताना चाहूंगा, जब शुरू में जन औषधि केंद्र खुला था तो चिकित्सक मित्र तो बोलते तो नहीं थे, पर देखते थे जेनरिक वाला डॉक्टर है। पिताजी भी मेरे वृद्ध है, वो बोलते थे यार जेनरिक का काम करते हो पर अच्छा है। पर आज जब मैं उनके पैर छू के निकला कि मेरे जीवन का एक अस्वर्णीय क्षण है कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। वृद्ध पिताजी, पहले डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत विस्तार से अपना अनुभव बनाया, बड़ा उत्साहवर्धक अनुभव है। मैं सभी डॉक्टर्स को भी यही आग्रह करूंगा कि हमारे शैलेश खंडेलवाल जी की तरह आप भी इस काम में आगे आइए। गरीब से गरीब की, मध्यम वर्ग की, सामान्य परिवारों की बहुत सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे बात करने करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।